चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हिस्ट्री टेकिंग एंड पेशेंट असेसमेंट। इसमें हम स्टार्ट करेंगे विद अ परफॉर्मा, नो स्लाइड्स एट ऑल। ठीक है, हम देखेंगे कि आपके पास एक पेशेंट है, ये परफॉर्मा कितना जरूरी होता है। जो हम लोगों को जब हम वर्ड रोटेशन में जाते हैं तो हम लोगों को कुछ परफॉर्मेंस दिए जाते हैं और उस परफॉर्मेंस को हम बहुत लाइटली लेते हैं और उसमें से जो जो चीजें होती है एक दो पूछ लेते हैं और हम कहते हैं क्या हमसे परफॉर्मेंस बार बार फेल करवाते जा रहे हैं, ये हम इसका क्या करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि उसका हम क्या करेंगे और एक अच्छा पेशेंट अवेलुएशन फॉर्म हमारे पास होना कितना जरूरी है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लेट्स मूव टूवर्ड्स द परफॉर्मा। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी में मेरा एमएस है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक इवैल्यूएशन फॉर्म बनाया था, उसी के ऊपर जो है मैं आपको डिटेल के साथ सारा बताऊंगी। बट आप लोग अपनी अपनी वीडियोस जो है वो ऑफ कर लो ताकि जो है वो सेशन जो है वो स्मूथली जा सके। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा एस सोप के बारे में, SOAP सोप। ठीक है, व्हाट इज दैट? इट्स ए कंप्लीट पेशेंट असेसमेंट टूल, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ठीक है, एंड देन द पेशेंट मैनेजमेंट। सबसे पहले एक पेशेंट आपके पास आया है, आप लोगों ने उसकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपकी हिस्ट्री से ही स्टार्ट हो जाता है, बल्कि उससे भी पहले, ये फॉर्म से भी पहले, जब एक पेशेंट आपके पास चल के क्लिनिक के अंदर आया है या आपकी वार्ड के अंदर आया है, तो आप पेशेंट को देख के बहुत कुछ उसका असेस कर लेते हो। कैसे? एक पेशेंट है वो अंदर एंटर हो रहा है, चाहे वो एज्ड है चाहे वो बच्चा है, एक तो आपको ये पता चल जाता है कि उस किस एज में फॉल कर रहा है जब पेशेंट आपके पास आ रहा है। पेशेंट आ रहा है वो खुद चल के आ रहा है, उसको कोई लेके आ रहा है, वो व्हीलचेयर पे आ रहा है या वो स्पोर्ट के साथ आ रहा है। आपने असेस कर लिया पेशेंट की दोनों साइड्स इक्वली, क्योंकि आगे आप जब जाओगे तो आप फॉर्म के अंदर देखोगे बहुत सारी असेसमेंट्स होंगी। जब आप पेशेंट के ऊपर असेस करना चाह रहे होगे तो आपको गेट चेक करना है पेशेंट का, पेशेंट की वॉक चेक करनी है, पेशेंट का बैलेंस चेक करना है, तो क्यों ना हम पेशेंट के लिए थोड़ी आसानी पैदा करें और जब पेशेंट चल के हमारे पास आ रहा है हम इस चीजों को उसी टाइम पे इवेलुएट कर लें। हमारा भी टाइम बचेगा और पेशेंट का भी टाइम बचेगा और उसके अलावा पेशेंट इजी भी फील करता है। ठीक है, बाहर के मुल्कों में हमारे पास पेशेंट आता है, हम करते हैं 5 मिनट 10 मिनट दिए हिस्ट्री टेकिंग वैल्यूएशन फॉर्म, चलो जी नेक्स्ट टू द मैनेजमेंट। बेसिकली 45 मिनट का जो सेशन है उसका कोई आपको गलती इसमें नहीं है कि अगर आप सिंगल सेशन जो है वो जस्ट हिस्ट्री टेकिंग और अवेल्युएशन को देते हैं, क्योंकि आप लोगों का कंप्लीट जो सब मैनेजमेंट प्लान है वो इसी के ऊपर फॉल कर रहा है कि आप लोगों उसकी कितनी अच्छी हिस्ट्री ली है। इसके अलावा पेशेंट काउंसलिंग उससे बहुत अच्छी होती है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, जितना टाइम आप पेशेंट को उसकी मालूमात लेने में लगाते हैं, पेशेंट से सारा कुछ उससे पूछते हैं, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है अपने थेरेपिस्ट के साथ। वो जो है उसको समझता है कि हाँ ये पेशेंट थेरेपिस्ट मेरी सुन रहा है। आप लोग भी एज अ पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर वो आपसे कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, आपसे पूछता है हाँ जी आपको क्या हुआ था कैसे हुआ था सारा कुछ पूछता है, आप जो पेशेंट के आपका डॉक्टर कहे नहीं नहीं बस मैं ये जो पूछ रहा हूँ मुझे ये बताओ, आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो गए। आपको भी एक ऐसा डॉक्टर था इसने उससे क्या पूछा, मुझे तो तसल्ली नहीं हुई, आप उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाओगे। और फिजिकल थेरेपिस्ट जो है उसका काम तो है ही सारा फिजिकल पेशेंट के साथ, तो पेशेंट को अपने साथ कंफर्टेबल करने के लिए एक गुड हिस्ट्री टेकिंग और गुड असेसमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टूवर्ड्स द परफॉर्मर, सब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर जब हम हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले जो है वो डेमोग्राफिक्स पूछने हैं उससे, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आपके इलाके से या आपकी एज से रेलिवेंट होती है।
आपने उसका नेम पूछ लिया, आपने उसकी एज पूछ ली। नेम जरूरी है पेशेंट को मुखातिब करने के लिए, पेशेंट का फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए, ताकि अगर आप अगली दफा अवेलेबल नहीं है और नेक्स्ट कोई थेरेपिस्ट आ गया उसको देखने के लिए, तो अगर एक अच्छा वैल्यूएशन फॉर्म बना होगा तो नेक्स्ट थेरेपिस्ट को पेशेंट को दोबारा से वैल्यूएट नहीं करना पड़ेगा और वो उसके ऊपर जो है रिलाई कर सकता है। पेशेंट की एज से आपको बहुत कुछ पता चलेगा, पेशेंट जो है मिडल एज में फॉल कर रहा है, ओल्ड एज में फॉल कर रहा है, चाइल्ड एज में फॉल कर रहा है। घुटनों का एक पेशेंट आया, जवानी में आपके पास आया, बुढ़ापे में आपके पास आया, आपका माइंड एक जाता है कि जवानी में आया इसका मतलब इसको कोई इंजरी हो सकती है लिगामेंटस। अगर वो ओल्ड एज में आपके पास आ रहा है तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली द आर्थराइटस, मे बी द ऑस्टियो आर्थराइटस। ठीक है, फिर मैरिटल स्टेटस, अनमेरिड है, मैरिड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, खास तौर पे फीमेल्स के अंदर मैरिड और अनमैरिड का बहुत ज्यादा होता है। मैरिड फीमेल है, मोस्ट प्रोबेबली उसके बेबीज होंगे। जो सी फीमेल्स होती हैं, जब उनके जिनके बच्चे होते हैं और सिजेरियन से हुए हैं या नॉर्मल हुए हैं, या आप मजीद हिस्ट्री में जाते हो तो उससे आपको बहुत कुछ पता चलता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बैक पेन के साथ हमारे पास फीमेल्स आ रही होती है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो होती है हमारे पास सिजेरियन के साथ होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें स्टेटस, मैरिटल स्टेटस उसका पता होना चाहिए, जेंडर पता होनी चाहिए। बहुत सी डिजीजेस हमारे पास मेल रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक होती हैं, जैसे ओए ऑफ द नी जो हम बात कर रहे हैं फीमेल्स के अंदर मोर कॉमन है देन द मेल्स। इसी तरह हमारे पास बहुत सी ऐसी कंडीशन है जो उसी मेल के अंदर मोस्ट कॉमन है देन द फीमेल्स। ओवरवर्क इंजरीज जो है हमारे पास ज्यादातर मेल्स के अंदर आती है देन द फीमेल्स। फिर हमें उसका लैंग्वेज पता होनी चाहिए, लैंग्वेज हमें जिस लैंग्वेज में पेशेंट है उस लैंग्वेज में अगर हम उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो पेशेंट आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगा। पेशेंट का ऑक्यूपेशन आपको पता होना चाहिए, पेशेंट क्या करता है। एक पेशेंट है आपके पास शोल्डर पेन के साथ आ रहा है तो आपको पता है कि वो पेशेंट क्या करता है। आपको पता चला कि वो पेशेंट मजदूर है तो आपको फौरन पता चलेगा कि उसने कोई भार उठाया है जिसकी वजह से जो है या ओवरवर्क किया है या उसके ऊपर स्ट्रेस इंजरी कोई आई है। ठीक है, ऑक्यूपेशन पता होना बहुत जरूरी है। कोई टीचर है तो आपको पता होगा कि टीचर है, टीचिंग करती है ज्यादा, इसका बैठने, ऑफिस वर्कर है ज्यादा बैठने वाला काम है इसलिए इसको बैक पेन है। बहुत सी आपकी जो सी कंडीशंस होती हैं वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड होती है, जिसमें आप एर्गोनॉमिक्स मैनेजमेंट करके तो पेशेंट को बेहतर कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने उसके सारे डेमोग्राफिक्स पूछ लिए, अब आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन कि पेशेंट आपके पास आया किस कंप्लेन के साथ है। ठीक है, ये एक पेशेंट है हमारे पास आया है, पेशेंट इज हैविंग लेफ्ट साइडेड बॉडी वीकनेस, नॉट एबल टू मूव हिज लेफ्ट लेग एंड आर्म, रेफर्ड बाय द न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ द स्ट्रोक। आप मुझे कहें कि मैम वो तो पता चल गया हमें कि स्ट्रोक है, वो तो हमारे पास आया स्ट्रोक के साथ है। तो जब हमारे पास स्ट्रोक के साथ आया तो फिर हम क्यों पेशेंट से सारी हिस्ट्री लेके भाई उसको क्या मसला हुआ है। ठीक है, स्ट्रोक इसका मैं आंसर आपको भी दे देती इससे पहले कि बच्चे मुझसे क्वेश्चन करें। स्ट्रोक इज अ मेडिकल टर्म। ठीक है, आपके पास बहुत सी दफा पेशेंट ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से रेफर होके आएंगे विद द फ्रोजन शोल्डर, उनको फ्रोजन शोल्डर अक्सर को नहीं होता। हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत सी चीजें पड़ी होती है, रोटेटर कफ इंजरी है, डिप्रेशन इंजरी है, उसके अलावा जो से लिगामेंटस टियर है, उन्होंने देखना कि भाई इसका सर के पीछे हाथ नहीं जा रहा, फ्रोजन शोल्डर लिखा, फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर किया, चलो जी फिजियोथेरेपिस्ट जाना है। फिजियोथेरेपिस्ट अपनी असेसमेंट ना करे, फिजियोथेरेपिस्ट वो फ्रोजन शोल्डर की सारी फिजियोथेरेपी करवा के भेजे, पेशेंट को का फर्क नहीं पड़ना, पेशेंट ने कहना थेरेपिस्ट ही ठीक है। ठीक है, इसलिए आपके पास पेशेंट डायग्नोस होके भी आए आपने नहीं मानना जब तक कि आपने खुद डायग्नोसिस नहीं करना। स्ट्रोक का पेशेंट है हमें तो उससे सीटी स्कैन से पता चल गया, लेकिन हमें स्ट्रोक की डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं पता। ठीक है, अगर स्ट्रोक आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि स्ट्रोक ब्रेन की इंजरी है और ब्रेन के किस एरिया की इंजरी है, उस एरिया के इंजर होने की वजह से बॉडी में किस एरिया की इंजरी आई है। आप लोगों ने टर्म सुनी होगी फिजिकल थेरेपिस्ट डायग्नोसिस, एक डायग्नोसिस होता है जो कि मेडिकल ऑफिसर बनाता है, एक डायग्नोसिस होता है जो फिजिकल थेरेपिस्ट बनाता है। हमें जरूरत है फिजिकल थेरेपी
डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस बाय अ फिजिकल थेरेपिस्ट, जिसमें हम उसको लेबल करेंगे कि इसको वन साइडेड स्ट्रोक है, इसको हेमिप्लीजिया है, इसको हेमिप्रेसिस है, इसको किस साइड का है, इसको जो है अपर लिम का है सिर्फ, लोअर लिम का है या कॉन्ट्रालेटरल है, और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द पेशेंट जिनको हमने ट्रीट करना है, वो हमारा डायग्नोसिस है जिसको हमने बनाना है, जिसकी बेस पे हमने पेशेंट को ट्रीट करना है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता सकता है, कोई वॉइस का मसला हो या कोई स्क्रीन का मसला हो। जी जुनेद बेटा बताएं, और भी किसी को इश्यू आ रहा है या सिर्फ जुनेद को आ रहा है? बेटा बाकी सबको क्लियर है, तो आप ना दोबारा से मीटिंग एंड करके ज्वाइन करें, रीज्वाइन करें आप, मे बी आपके एंड से कोई इश्यू हो। ओके, अब हमारे पास आ जाता है, हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की पूछ ली कि पेशेंट हमारे पास रेफर हो गया विद द स्ट्रोक। हमने अब हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेनी है, पहले हमने पेशेंट की जनरल हिस्ट्री ली, फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री लेनी है कि जिस कंप्लेन के साथ पेशेंट आया वो कंप्लेन पेशेंट को क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई। ठीक है, इसमें हमारे पास इधर क्या लिखा है, फाउंड नियर होम ड्राउजी अनकम्युनिकेटिव एंड शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल वे ही वॉज ड्राउजी बट एबल टू रिस्पॉन्स टू द बेसिक कमांड नॉट रिकॉग्नाइज हिज स्टिमुलाई। इससे हमें क्या पता चला, जीसीएस स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एक तो हमें ये पता चला कि पेशेंट, इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट कितनी देर के लिए इस कंडीशन में रहा था। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इससे आपको स्ट्रोक के बारे में पता चल जाता है कि स्ट्रोक क्लोटिड स्ट्रोक था या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक था। ठीक है, थ्रोम्बोटिक था या हेमरेजिक था, ये आपको बहुत कुछ इससे पता चलता है। उसके अलावा आप लोगों ने जीसीएस स्केल, ये इन चीजों से आपका जीसीएस स्केल काफी जो है वो आपको पता चल जाता है। सीटी स्कैन करवाया, सीटी स्कैन में आ गया जी इन्फार्क्ट ऑफ द राइट सेरिब्रल आर्टरी। राइट सेरिब्रल आर्टरी का है तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन उसका सॉरी राइट साइड ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो है उसकी डैमेज हुई है। अब डैमेज किस एक्सटेंट का है और किन लिम्स का है, ठीक है, ये जो है हमारा डायग्नोसिस होगा। अब हमने उससे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी ले लेनी है ताकि हमें पता चले, इसका ताल्लुक ये नहीं है कि पेशेंट से हम जी क्यों पूछ रहे हैं जी, तो उसने कोई दवाई ली थी नहीं ली थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो तो हमें सारा कुछ पता चल गया कि भाई हो सकता है मेडिकेशन की वजह से हुआ। नहीं, इसमें ये भी होता है कि अक्सर मेडिकल हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि पेशेंट जो से सर्टेन मेडिकेशन के ऊपर है और उन मेडिकेशन की वजह से पेशेंट जो है वो ड्राउजी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें फिजिकल थेरेपी के दौरान पेशेंट को सपोर्ट देनी पड़ सकती है। मैंने पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री ली, स्मोकर तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया तो नहीं है, ठीक है, उसको जो सा है कोई शुगर वगैरह तो नहीं है। अभी मैं उससे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि तो मैंने उसको जब थेरेपी करवानी है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो कितनी थेरेपी के सेशन, कितनी ड्यूरेशन के लिए वो बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, एक स्मोकर है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो सा है लंग का कोई इश्यू तो नहीं है फिर, कि जिसकी वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह का कोई इश्यू हो। मैं उसको एक्सर्शन वाली एक्सरसाइजेस नहीं करवा सकती, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, मैं उसको सांस नहीं रोकने दे सकती ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि उसकी हाइपरटेंशन, वो उसकी टेंशन में इजाफा हो जाएगा, उसका बीपी हाई हो जाएगा। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, मेरे पास मसल वीकनेस के साथ है वो ऑलरेडी। ठीक है, ग्लूकोज उसका शुगर तो नहीं है, कि ये ना हो मैं उसको सेशन करवा रही हूँ, मैं उसकी शुगर पहले चेक करूंगी, ये ना हो सेशन कराते कराते उसकी शुगर एकदम से लो पेशेंट गिरा हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई इसकी सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, कोई इसकी सर्जरी तो नहीं किसी जगह की हुई हुई, वहां पे हमें एहतियात से काम करना पड़ेगा, कितनी देर पहले उसकी सर्जरी हुई थी। उसके अलावा किसी मेडिकेशन पे सर्टेन पे तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, एक तो मेडिकेशन के थ्रू आपको उसकी डिजीज का पता किसी चल सकता है, या मेडिकेशन की कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री उसकी पूछ लें, ठीक है, कि उसकी फैमिली में किसी को स्ट्रोक वगैरह तो नहीं था, या फैमिली में हमें कुछ चीजें जो होती है हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, कुछ हमारे ट्रीटमेंट में हमें हेल्प करती हैं,
उसके अलावा उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पूछते हैं, ठीक है। हमें इससे ये पता चलेगा पेशेंट क्या अफोर्ड कर सकता है, क्या अफोर्ड नहीं कर सकता, हम कितनी पेशेंट को जो है होम सेशंस दे सकते हैं, हम कितने होम क्लिनिक उसको सेशंस दे सकते हैं। अगर हम उसको होम सेशंस देते हैं तो क्या वो चीजें अफोर्ड कर सकता है जो हम उसको कह रहे हैं कि वो इस तरह से करें। एक बंदा जिसकी अपनी सारी जरूरियात पूरी नहीं हो रही हो घर की, हम क्या उसको एडवाइस कर सकते हैं कि तुम अच्छा फल फल फ्रूट वगैरह खाओ? नहीं कर सकते एडवाइस उसको, उसके 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही उसके बच्चों की। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंगली पेशेंट के जो है वो रिवाइज करना पड़ता है आपको प्लान। इन सब चीजों में जो बेसिक चीज है वो आपके ये है कि हर पेशेंट आपके लिए एक न्यू पेशेंट है। जो हम बुक्स के अंदर ट्रीटमेंट्स पढ़ते हैं, जो हम बुक्स के अंदर साइंस और सिम्टम्स पढ़ते हैं, पेशेंट आपके साथ पास उन साइंस सिम्टम्स के साथ नहीं आता। और हम हर पेशेंट को, हमारे पास बुक्स के अंदर लिखे है स्ट्रोक का पेशेंट इन साइंस सिम्टम्स के साथ आएगा, हम उसको ये ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। दैट इज द जनरल असेसमेंट एंड जनरल मैनेजमेंट। लेकिन आपका हर पेशेंट कस्टमाइज्ड है, ठीक है। हर पेशेंट डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स के साथ आ रहा है और उनके अकॉर्डिंगली हम कस्टमाइज प्रोग्राम देंगे। सर्टेन चीजें उसमें से हम उसको एडवाइस करेंगे। अपर लिम का उसको मसला है, लोअर लिम का उसको मसला नहीं, लेकिन हमने बुक के अंदर पढ़ा था कि स्ट्रोक के पेशेंट को ये एक्सरसाइजेस लोअर लिम की भी करानी है, इसलिए हम उसको एडवाइस कर रहे हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास पेशेंट असेसमेंट बहुत जरूरी है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? एक बच्ची की मुझे कंप्लेन आई है कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे प्लीज इसको कंफर्म करें कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। ओके फिर आगे सिम्टम्स की हिस्ट्री। पहले हमने पेशेंट हिस्ट्री ली, अब हम सिम्टम्स की हिस्ट्री लेंगे। सिम्टम्स किस साइट के थे, ठीक है, उसकी साइट क्या थी। साइट हमारे पास हमें सीटी स्कैन से पता चली, बहुत सी चीजें हमें पेशेंट के नोट से पता चल जाती है। ये पेशेंट अब हमारे पास क्लिनिक में आया था, ठीक है। बहुत दफा होता है कि स्ट्रोक के पेशेंट के लिए फिजिकल थेरेपिस्ट को ऑन स्पॉट वहीं पे बुलाया जाता है एमरजेंसी के अंदर, ठीक है, पेशेंट अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ होता। तो उधर हम क्या करेंगे, हम पेशेंट तो हमें बहुत सी डिटेल्स नहीं दे सकता, हो सकता है पेशेंट गनूदगी में हो, तो हम उसके रिलेटिव से कुछ डिटेल्स लेते हैं, कुछ उसके जो मेडिकल नोट्स पड़े होते हैं वहां से डिटेल्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने देखना है पेशेंट का ऑनसेट कब हुआ था, ड्यूरेशन कब कितना था उसका, टाइप क्या थी, सिवेरिटी कितनी थी, किस चीजों से एग्रेवेट। अब बहुत सी चीजें इस पेशेंट के लिए नहीं थी, ये चीजें जो है आपको जैसे आपके पास पेन के साथ, बैक पेन के साथ आ रहा है तो फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है और उसके रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, ठीक है। फिर पेशेंट के वाइटल्स आपने लास्ट भी लेने हैं। एक फिजिकल थेरेपिस्ट के पास भी अपनी प्रॉपर किट होनी चाहिए जिसमें उसके पास थर्मामीटर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट चेक करने के लिए उसके पास सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट आपको स्टेबल चाहिए। ये ना हो कि आप एक्सरसाइज करवा रहे हो पेशेंट गिर गया, ठीक है, आपने आपको तो पता ही नहीं था। यू आर ए डॉक्टर, कोई माने ना माने आप डॉक्टर हैं और आपने बेसिक उसकी जो से, हाँ अब ये नहीं मैं कहूंगी कि आप डॉक्टर हैं तो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो कुछ आपको करना चाहिए पेशेंट को स्टार्ट करवाने से पहले, आपको ये सारी चीजें उसकी पता होनी चाहिए कि पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट को मैं सब कुछ करवा सकता हूँ, ओके। अगर तो पेशेंट वार्ड के अंदर एमरजेंसी में आप जा रहे हैं, ऑन कॉल जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ उसकी नोट्स के ऊपर राइट डाउन होगा, या आप उधर सिस्टर को कह सकते हैं कि ये सारा कुछ चेक करके आपको बता दे। बट अगर क्लिनिक में आ रहा है तो आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए। देन द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन? ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन वो है जो आप पेशेंट के ऊपर खुद परफॉर्म करोगे। सब्जेक्टिव असेसमेंट थी कि पेशेंट आपको बता रहा था या पेशेंट को आप जैसे उसकी हिस्ट्री उसके रिलेटिव से या उसके नोट से आप लोग ले रहे थे। ऑब्जेक्टिव अब आपने खुद पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करके सब कुछ पता करना है, ठीक है। इसमें आपने जब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करना है तो इसमें चंद चीजें होती हैं जिसको आपने लाजमी देखना है। एक पेशेंट का पोस्चर एंड एग्जामिनेशन, पोस्चर एंड बैलेंस, देन उसकी वॉलेंट्री मूवमेंट्स आप लोगों ने देखनी होती है, फिर आप लोगों ने इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखनी है,
टोन देखनी है, रिफ्लेक्सेस देखने हैं, मसल एंड जॉइंट रेंजेस देखनी है, सेंसरी उसकी जो सी है एक्टिविटीज देखनी है, फंक्शनल एक्टिविटीज देखनी है, गेट और एक्सरसाइजेस के कौन कौन सी वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, एक्सरसाइज टॉलरेंस उसकी देखनी है। चले अब आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर अब हमने पेशेंट के ऊपर जो ऑब्जर्व करना है, ऑब्जेक्टिव को आपने याद रखना है ऑब्जर्वेशन से, ओ फॉर ओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का मतलब है आप खुद पेशेंट के ऊपर ऑब्जर्व करने लगे हो, पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करने। पहले तो सबसे आपने देख लेना है उसका बिल्ड, यानी कि पेशेंट जो है कमजोर है, पेशेंट हेल्दी है, पेशेंट कैसा है, ये पेशेंट से पूछने नहीं बैठना आपने ना उस टाइम। आप लोगों ने देखना जब मैंने आपको बताया था बहुत सी चीजें हैं, जब आप शुरू शुरू में तो आपको मुश्किल होगी, आप फॉर्म देख के सब कुछ करोगे, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, विद द एक्सपीरियंस पेशेंट आपको पता होगा कि ये मैंने फॉर्म में डालना है, लो जी पेशेंट आया, उसको आते साथ ही आपने किया, आप जल्दी जल्दी फॉर्म आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। पैटर्न ऑफ मूवमेंट उसका हमने देखना है, एक्टिव ऑन द राइट साइड वेल पैसिव ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि वो राइट साइड उसकी बिल्कुल ठीक है और लेफ्ट साइड वो यूज कर रहा है बट विद द हेल्प पैसिवली, पैसिवली हम उसकी मूव कर सक रहे हैं। अगर हम उसकी पैसिवली भी मूव ना कर सके, व्हाट डज दैट मीन, कि उसको काफी टाइम हो चुका है स्ट्रोक को और वो वहां पे एडहियंस बन चुकी है, ठीक है, हमारे जहन में ये बात आई वहां से। अगर हम पैसिवली मूव कर सकते हैं उसको तो दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर अस, कि हम उसको पैसिव से असिस्टिव पे और असिस्टिव से उसको हम एक्टिव के ऊपर लेके आए। मोड ऑफ वेंटिलेशन, ऑक्सीजन, ये जो सा पेशेंट था ये हमारे पास आया था, उसकी जो सी है वो चेस्ट का थोड़ा मसला था तो वो ऑक्सीजन मास्क के साथ आया था, वैसे भी अगर आपको ऑन कॉल भी पेशेंट को मिलेगा तो वो भी ऑक्सीजन मास्क के साथ ही मिलेगा, ठीक है। तो उसकी टाइप पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें फाइल के अंदर उसकी मिली थी, ठीक है। एडीमा उसको कोई तो नहीं है, उसकी कोई मसल वेस्टिंग तो नहीं है, प्रेशर सोर्स तो नहीं है, डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई एक्सटर्नल अप्लाइंसेस तो कोई उसको नहीं लगे हुए, ठीक है, जिसमें उसका आ सकता है, उसको वेंटिलेटर पे तो नहीं है पेशेंट को दाना आता, ठीक है, या उसको कोई ड्रिप्स वगैरह लगी नहीं है, या कोई इस तरह की उसको कोई ईसीजी मशीन उसको परमानेंट लगी हुई है। इमोशनल स्टेटस पेशेंट का देखना होता है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेगा अगर वो डिप्रेस्ड होगा। पहले पेशेंट को आपने उसका मोराल हाई करना, उसको बूस्ट करना, ताकि पेशेंट जो है आपके साथ कोऑपरेट कर सके। ऑन एग्जामिनेशन आप पेशेंट का हायर मेंटल स्टेटस देखते हो, जिसको हम GCS स्कोर कहते हैं, ठीक है, आपने देखना उसका आई रिस्पॉन्स कितना है, उसका वर्बल रिस्पॉन्स कितना, उसका मोटर रिस्पॉन्स कितना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इसका GCS स्कोर जो है वो कितना बन रहा है और उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी बात कितनी समझ सकता है और कितनी आपको आपको फॉलो कर सकता है, ठीक है। अगर पेशेंट का GCS स्कोर लो होगा तो पेशेंट आपकी कमांड फॉलो नहीं कर सकेगा, आपको उसको ऑन क्लिनिक ज़्यादा सेशंस देने पड़ेंगे और होम के लिए आपको उसके कोई असिस्टेंट चाहिए, उसका कोई हेल्पर चाहिए जिसको आप गाइड करेंगे कि उसने उसको ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस करवानी है, क्योंकि पेशेंट का इतना GCS नहीं है कि वो खुद उसको कैरी कर सके। पेशेंट एंड बिहेवियर, ये जो हमारे पास पेशेंट था ये कंफ्यूज था, एजिटेटेड था, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पेशेंट को अपने साथ जो है पहले कंफर्टेबल करें उसके सेशन स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद पर्सन ओरिएंटेशन कैसी थी पर्सन की, ठीक है, उसको पर्सन जो था ओरिएंटेड था, प्लेस भी ओरिएंटेड था, टाइम में कंफ्यूज था, ठीक है। ये क्या होता है पर्सन प्लेस एंड थिंग, ये हमने देखना था कि उसकी ओरिएंटेशन, उसको ये पता है कि वो खुद कौन है, उसके आसपास कौन है, वो किस जगह पे है और किस टाइम, सुबह है दोपहर है शाम है, पेशेंट को ये सारी चीज़ों का पता है। पेशेंट की मेमोरी देखनी है, पेशेंट को जो है सब कुछ याद है कि नहीं याद है, ठीक है। इमीडिएट मेमोरी अक्सर लोगों की लॉस हो जाती है, कुछ की रिसेंट मेमोरी लॉस हो जाती है, कुछ की ओल्ड मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, तो इस पेशेंट का सब कुछ ठीक था। स्पीच आपने पेशेंट की देखनी है, स्पीच से आपको पता चलेगा कि कोई उसको ब्रेन डैमेज की वजह से उसके जुबान पे तो कोई मसला नहीं है, उसका ब्रोकास एरिया, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रोकास एरिया है, वर्क जो सा वर्कनीज एरिया है उसमें तो कोई इशू नहीं आया हुआ, क्योंकि उसमें भी इशू हो सकता है तो आप लोग खुद नहीं ठीक करने बैठेंगे, आप उसको स्पीच थेरेपिस्ट को रिकमेंड करें। कॉग्निशन देखनी है, या बेसिकली क्या चीज़ें देख रहे हैं, हायर मेंटल फंक्शन देख रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि उसके ब्रेन में क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या क्या चीज़ें खराब है,
एक पेशेंट का हायर मेंटल स्टेटस देखने के लिए आप इन चीजों के बारे में पेशेंट से पूछेंगे। फिर आ गया उसका पोस्चर। अब हम उसकी मोटर असेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट की, ठीक है। उसका पोस्चर हमने देखना है, और फिर पोस्चर देखने के अकॉर्डिंग हम पेशेंट का पोस्चर एडजस्ट करेंगे। पेशेंट जो है, हमने देखना है कि पेशेंट अपना, उसका पोस्चर ठीक है, किस तरह उसका झुकाव, किसी एक तरफ तो नहीं है। अक्सर पेशेंट होते हैं वो एक तरफ झुक के बैठते हैं स्ट्रोक के, क्योंकि दूसरी साइड को अपने निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि पेशेंट के अंदर निग्लेक्ट का इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का पोस्चर जो है वो एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को किस पोस्चर में रखना है और किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे। फिर हमारे पास आ गया क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। हमने उसकी सारी नर्व को एग्जामिन करना है, ठीक है। इस पेशेंट में सब कुछ इंटैक्ट था। इसको देखने का मकसद ये है कि कोई नर्व डैमेज तो नहीं हुई थी क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्योंकि ब्रेन का डैमेज है तो उसकी वजह से क्रेनियल नर्व भी डैमेज हो सकती है। वैसे मैं पता चल गया था कि राइट आर्टरी का डैमेज है, तो आपका ब्रेन सेरिब्रम जो है वो डैमेज हुआ, तो बाकी नर्व तो वैसे ही इंटैक्ट होनी चाहिए। इसमें जो इशू आ सकता है वो फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व का आ सकता है, लेकिन वो भी उसका इंटैक्ट था, क्योंकि फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व जो है वो डायरेक्टली सेरिब्रम से ओरिजिनेट कर रही होती है। नेक्स्ट आपके पास सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन आ गया। आपने पेशेंट की सारी सेंसेस चेक करनी है। अच्छा, और जब भी आप पेशेंट को चेक करते हैं, आप कंपैरिजन में चेक करते हैं विद द नॉर्मल साइट, चाहे आप मोटर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, चाहे आप उसका सेंसरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं। बिकॉज पेशेंट है, लेफ्ट साइड का उसका स्ट्रोक है, तो मैं ये नहीं करूँ कि हर चीज उसकी लेफ्ट साइड पे चेक करूँ। मैं कह रही हूँ लेफ्ट साइड पे इसको वीकनेस भी है, लेफ्ट साइड पे इसकी रेंज भी पूरी नहीं है, लेफ्ट साइड पे इसको सेंसेशंस भी ठीक नहीं है। तो पहले उसका राइट साइड तो चेक करें, साथ कंपेयर तो करें। क्या हो सकता है कि उसका राइट साइड पे भी इतनी वीकनेस ना हो, उसको ये जनरलाइज वीकनेस उसकी एज की वजह से हो। उसके जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन ठीक नहीं है, हो सकता है ये जनरलाइज उसके दोनों साइड की हो। उसने कभी जॉइंट को इतना यूज नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो गई है। सेंसेशन का उसको वैसे कोई मसला हो सकता है। तो इसलिए आपने जब भी चेक करना है, आपने दोनों साइड पे चेक करना है, और उसको कंपैरिजन में लिखना है कि राइट साइड पे इसको मसला नहीं है, लेफ्ट साइड पे इसको मसला है। इसलिए ये हमारे डिजीज से रिलेटेड है, जो उसको मसला आ रहा है उससे रिलेटेड है। सेंसेशन हम उसकी चेक कर लेंगे, सुपरफिशियल सेंसेशन जिसमें हमारे पास पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर आता है, एंड डीप पेन्स जिसमें हमारे पास हमने उसकी चेक करनी होती है। सेंसेस हम चेक करते हैं, वाइब्रेशन हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उसकी है, हम ये हम इसको कहते हैं हमारे पास, मैं इसको मिस कर रही हूँ, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस उसकी जो है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। कि उसकी आंखें बंद करवा के उसको हम कहते हैं कि आपका जो जॉइंट है हम उसको किस पोजीशन में मूव कर रहे हैं, ये हमने चेक करने होते हैं। कॉर्टिकल सेंसेशंस हैं जिसमें टेक्टाइल सेंसेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरोगनोसिस, बैरोगनोसिस, टेक्चर रिकॉग्निशन। अब ये आप लोगों ने खुद देखना है कि ये क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने ये सब कुछ चेक करना है। फिर हमारे पास आ जाता है पेशेंट का मसल, मस्कुलर सिस्टम, मोटर सिस्टम। हमने उसका चेक करना है कि उसके मसल्स जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके आर्म में जो है क्या है, पैरालिसिस है या प्रेसिस है। पैरालिसिस एंड प्रेसिस, पैरालिसिस इज द कंप्लीट पैरालिसिस, पेशेंट मूव ही नहीं कर सकता। प्रेसिस मीन वीकनेस, पेशेंट को वीकनेस हुई है, ठीक है। उसको थोड़ी सी हेल्प करो तो हेल्प के साथ वो मूवमेंट कर लेता है। हमने कहा था पैसिव मूवमेंट भी वो कर रहा है, और उसको मूव करो तो वो अपनी कोशिश करता है। उसकी वीकनेस है, नॉट द पैरालिसिस। स्ट्रोक का पेशेंट है लेकिन प्रेसिस के साथ है, नॉट विद द पैरालिसिस। फिर पेशेंट के हम मायोटोम्स चेक करेंगे, ठीक है। मायोटोम्स चेक करने का सर्टन तरीका है कि कौन कौन सा मायोटोम के लिए कौन कौन सी मूवमेंट होती है, हमने ये चेक कर लिया, ठीक है। जैसे C1 C2 जो है उसके साथ नेक फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ हम परफॉर्म कर लेते हैं। C3 जो है, देखें क्योंकि नेक लेवल पे उसको कोई मसला नहीं था, इसलिए वो इजीली मूव फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकता है। C3 से S2 तक जितने भी हमारे मायोटोम्स हैं, ये हमारे अपर लिम और लोअर लिम के हैं। ये उसके सारे जो उनसे हैं राइट साइड पे ठीक थे, और लेफ्ट साइड पे विद असिस्टेंस वो ये सब कुछ कर रहा था। रेंज ऑफ मोशन पेशेंट की हमने चेक करनी है, ठीक है। उसके लिए हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, अपर लिम हम चेक किया, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी।
सारे जॉइंट्स चेक कर रहे हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट एंड देन द फ्लेंजियल जॉइंट्स। इसी तरह लोअर लिम में आपने हिप जॉइंट, नी जॉइंट और इसके बाद मेटा टार्सल और टार्सल जॉइंट्स जो से सारे के सारे पेशेंट के चेक करने हैं। देन द रिफ्लेक्सेस, आप कह रहे होंगे इतना कुछ हमने चेक करना है। बेटा इसके लिए जो जर्नल टर्म आपको से पूछ रहे हैं कि मैम क्या हम इसको प्रेसिस को एज अ पार्शियल लॉस लिख सकते हैं, बेटा पार्शियल लॉस जो होता है ना, पार्शियल लॉस आप सिर्फ उसकी पावर का पार्शियल लॉस कह सकते हैं, आप सर्टेन कह सकते हैं कि इस चीज का पार्शियल लॉस है, पार्शियल लॉस पावर का है, पार्शियल लॉस रेंज ऑफ मोशन का है, बट द कंडीशन, द होल कंडीशन इज नोन एज द प्रेसिस। ठीक है, एक जर्नल टर्म होती है, जब आप एक मेडिकल प्रोफेशन में है आपने एक टर्म यूज करनी है प्रेसिस, सबको पता चल जाएगा क्या है पेशेंट को, पेशेंट को बताना नहीं पड़ेगा किस किस चीज का पार्शियल लॉस है। पार्शियल ऑफ आप सर्टेन चीजों को डिफाइन करने के लिए करते हैं, जबकि प्रेसिस जो है वो एक होल टर्म है। ठीक है, उसके बाद आगे रिफ्लेक्सेस आपने पेशेंट के चेक करने हैं। बात ये मैं कह रही थी कि इतना सारा कुछ चेक करना है आपने पेशेंट का, इसीलिए मैं कह रही थी कि आपका जो फर्स्ट सेशन है वो जस्ट असेसमेंट का होगा, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, आप लोगों ने पेशेंट को ये नहीं करना कि आज मैं 15-45 मिनट में सब कुछ कैसे करूंगा। जी बेटा, ये जैसे उन्होंने लिखा है कि पार्शियल लॉस हो तो सकता है ना, मस्कुलर वीकनेस भी हो रही है, पार्शियल लॉस भी हो रहा है, नर्व डैमेज भी हो रही है डिजीज की वजह से, तो फिर हम कह तो सकते थे पार्शियल लॉस है, पेरिसिस जो है। पार्शल लॉस किस चीज का? ये जैसे मसल वीकनेस हो जाता है तो नर्व भी डैमेज हो रही है, तो फिर इस वजह से हम कह नहीं रहे कि पैरालिसिस हो गया, पार्शियल पैरालिसिस भी तो बोल सकते हैं इस चीज को। पार्शियल पैरालिसिस जो है ना कोई टर्म नहीं है बेटा, आप इसको एज अ टर्म यूज नहीं कर सकते, मेडिकल टर्म यूज नहीं कर सकते आप पार्शियल पैरालिसिस। ठीक है, जब एक टर्म है, एक ओके पैरालिसिस है, एक प्रेसिस है, ठीक है, तो पार्शियल पैरालिसिस इज नो टर्म। आप ये जरूर बता सकते हैं कि जब प्रेसिस हुआ, प्रेसिस के अंदर उसको क्या हुआ, पार्शियल लॉस ऑफ मसल पावर या पार्शियल लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन इन द प्रेसिस। आई एम क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ गया आपके पास रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस के अंदर आपने उसके सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्सेस चेक कर लेने हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स के। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में एब्डोमिनल रिफ्लेक्स तो ऑब्वियसली एक ही होता है, लेफ्ट राइट यहाँ पर लिखा हुआ है वो, क्योंकि हमने कॉलम बनाया हुआ था इसलिए हमने लेफ्ट राइट लिख दिया। देन द मसल टोन, सारे मसल की हमने टोन चेक कर ली। टोन चेक करनी आपको आती होगी, ठीक है, हमारे पास ग्रेड सिस्टम है हमने जिसके थ्रू पूरी चेक, मसल ग्रेडिंग सिस्टम 5 4 3 2 1, ठीक है, मसल टोन चेक कर लेते हैं पेशेंट की। उसके बाद हम लोगों ने मसल्स जो भी अपर लिम के लोअर लिम के चेक कर लिए। देन द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए आपके पास सर्टेन टेस्ट होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन हम वैसे मोस्टली हमारी जो सी इम्पेयर्ड होगी उसमें आरटी, बेटा आरटी और एलटी जो है राइट एंड लेफ्ट के लिए यूज किया था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है हम मोस्टली चेक करते हैं जब हमारे पास सेरिबेलम का इश्यू आ रहा हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये जो है वो उसको निकालना है इस चीज़ को कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन का कोई इशू नहीं, इसका मतलब सेरिबेलम जो है पेशेंट का कंप्लीटली फाइन है। ठीक है, उसके हमारे पास सर्टेन टेस्ट होते हैं जिसमें फिंगर नोज, फिंगर ओपोजिशन, ये सारे टेस्ट आ जाते हैं। देन कम्स द बैलेंस। बैलेंस आपने पेशेंट का चेक करना है, इसके लिए हमारे पास एक पूरा स्केल होता है, बैलेंस बर्ग बैलेंस स्केल। ठीक है, इसके अंदर एक परफॉर्मर, एक अलग से परफॉर्मर, ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए होता है ये परफॉर्मर, जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि पेशेंट का बैलेंस कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उस जगह से जो है उसको पेशेंट को स्टार्ट करवाना होता है। कि आपको पता है कि पेशेंट की सिटिंग ज्यादा डैमेज है, पेशेंट की स्टैंडिंग ज्यादा डैमेज है, या एंटीसिपेट और रिएक्टिव जो उसकी एक्टिविटीज है वो ज्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, स्केल के थ्रू आपको ये पता चलता है, एट द एंड में आपको स्केल भी दिखाऊंगी। जो बच्चे मुझे कह रहे हैं मैम ये आप पीडीएफ हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, उनके लिए गुड न्यूज है, ये मैं पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो अपना यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगी, आप जब चाहें वहां से खोल के तो ये पूरे का पूरा लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है,
और बेहतर ये होगा कि आप लोग खुद मुझे परफॉर्मेंस बना के एक इवेल्युएशन फॉर्म मुझे सबमिट करवाएं, क्योंकि आप सबने सर्टिफिकेट देने हैं कि हमने एक वेबिनार अटेंड किया है। तो जब आप लोग एक वेबिनार अटेंड करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलना है उसका, तो आपको एक खुद परफॉर्मा बना के मुझे सबमिट करवाना चाहिए कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है इस परफॉर्मा का, ठीक है। और आप अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप किसी पेशेंट का, मैं ये नहीं कह रही कि आपने किसी स्ट्रोक के या सेरेब्रल पाल्सी के या इस तरह कमर दर्द का पेशेंट मिला उसका परफॉर्मा बना के लिया, पाँव दर्द का मिला, घर में कोई आपका पेशेंट है जिसको नेक पेन है उसका परफॉर्मा बना के मुझे सेंड कर दो, ठीक है। जर्नल परफॉर्मा सबके लिए जर्नल होता है और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड होती हैं किसी की, किसी की कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती हैं। जैसे वर्क बैलेंस स्केल जो है वो आपका किसी भी बैक पेन या नी पेन के पेशेंट के अंदर एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर आ गया जी उसकी गेट, आ गई गेट हमारे पास स्ट्रोक पेशेंट की, जी बेटा बिल्कुल बनाए जिस भी पेशेंट का बनाना चाहिए बनाए। अच्छा अब उसकी गेट हमारे पास आ गई, गेट जो है हमारे पास पेशेंट की हेमिप्लेजिक गेट थी, ठीक है। और हर कंडीशन में पेशेंट की गेट डिफरेंट होती है, तो ये मैंने आपको वही कहा था कि जब पेशेंट आ रहा है तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेशेंट किस गेट के साथ आपके पास आ रहा है। फिर हमारे पास आ गया प्रॉब्लम की लिस्ट, आ गई पेशेंट की, हमने ये अपने लिए लिखा है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे असेसमेंट पेशेंट का कंप्लीट हो चुका है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, इसके अंदर हमने कितना कुछ सीख लिया पेशेंट को, हमें कितना कुछ क्लियर हो गया पेशेंट का। अब हमने लिस्ट बनानी है कि पेशेंट को प्रॉब्लम इनमें सब में हमने जो असेस किया इसमें पेशेंट की प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हमने उस प्रॉब्लम को ट्रीट करना। पेशेंट की इम्पेयरमेंट्स क्या थी, उसकी मसल टोन चेंज हुई है, उसकी सेंसेशन चेंज हुई है, उसके सर्टेन एरियाज में कॉन्ट्रेक्चर्स है, वो ऑल्टर्ड मसल पावर है उसकी, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है उसकी और उसको वीकनेस है, ठीक है। ये पेशेंट की इम्पेयरमेंट्स थी और ये हमें पता है कि ये पेशेंट की इम्पेयरमेंट्स है, लेकिन पेशेंट क्या चाह रहा है, वो उसकी फंक्शन लिमिटेशन है। पेशेंट को तो ये मसला हो रहा है ना कि वो अपनी केयर नहीं कर सक रहा, उसको अपने काम करने में मसला हो रहा है। ये हमारे पास पेशेंट एक रिक्शा ड्राइवर था, उसको तो मसला ये हो रहा है कि भाई मैं रिक्शा नहीं चला सक रहा, मेरे बच्चों को मैं कमाऊंगा कहाँ से, मैं उनको खिलाऊंगा कहाँ से, उसको तो मसला ये है वो सोसाइटी में मूव नहीं कर सका सकता, तो उसके लिए ये फंक्शनल लिमिटेशंस है। पेशेंट के लिए जो हमें फोकस करना होता है वो उसकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स के ऊपर करना होता है कि पेशेंट को इन इम्पेयरमेंट्स में से हमने किन चीज़ों को सबसे पहले इम्प्रूव करना है ताकि पेशेंट के फंक्शनल जो सी एक्टिविटीज़ है वो बेहतर हो सके, पेशेंट सेल्फ केयर पे आ जाए। मैं ये नहीं करूँगी मैं सब कुछ एक टाइम में शुरू कर दूँ, सेंसेशंस थोड़ा सा फर्क लग जाए फर्क कोई नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रेक्चर्स पे थोड़ा सा टाइम लग जाए, पेशेंट अपना हाथ मूव करना शुरू कर दे, पेशेंट का अगर अपर लिम लोअर लिम इकट्ठा डैमेज हुआ है तो मैं अपर लिम को थोड़ा सा जल्दी करूंगी कि अपर लिम की वजह से वो अपना खाना खुद खाना शुरू कर दे, पेशेंट को पता चलना शुरू कर दे हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जो सी है वो ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट हो जाती है कि हाँ मैं बेहतर हूँगा, पेशेंट और जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पेशेंट के साथ जो आपने प्लान बनाना उसमें आपने अपना प्लान जो है एडवाइस इस तरीके से करना है कि शुरू में जो वो एक्टिविटीज वो वाली आप रखें जो आप जल्दी बेहतर कर सकते हैं और पेशेंट को उससे बेनिफिट भी होगा, पेशेंट खुश होगा और पेशेंट का मोराल हाई होगा, ठीक है। अब जी हमारा बन गया डायग्नोसिस, हमने क्या डायग्नोसिस बनाया, फिजिकल थेरेपिस्ट ने क्या डायग्नोसिस बनाया, यूनिलेटरल हेमिप्रेसिस। आपके पास पेशेंट आया था विद द डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक, आपने पेशेंट का डायग्नोसिस बनाया यूनिलेटरल हेमिप्रेसिस। अब पेशेंट जहां पे मर्जी जाए, ब्रैकेट में आपने लिख दिया लेफ्ट साइड, ठीक है। अब पेशेंट दुनिया के किसी कोने में चला जाए ये डायग्नोसिस उसको दिखाए, सबको पता है जी यूनिलेटरल वन साइड का है, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, हेमिप्रेसिस है उसको, ठीक है। क्या मतलब कि उसको यूनिलेटरल एक साइड का जो सी है वो वीकनेस है लेफ्ट साइड, ठीक हो गया। देन कम्स द मैनेजमेंट गोल्स, हमने कुछ गोल सेट करने हैं कि हमने उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाना है कि उसके अंदर मजीद कॉम्प्लिकेशन ना बने, जो उसकी इम्पेयरमेंट्स हो चुकी हैं उसको कम किया जाए और उसका फंक्शनल स्टेटस को बेहतर किया जाए। इसके लिए फिर हम उसके ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे जिसमें हम उसकी पोजीशनिंग करेंगे, उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताएंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस बताएंगे, गेट ट्रेनिंग करेंगे, वो सब कुछ जो हमने ऊपर असेस किया है जिस जिस चीज में उसको मसला है उस चीज में हम उसको मैनेज करेंगे।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया, हाँ, मुझे फीडबैक दे सकते हैं, उसके ऊपर फिर हम सोचेंगे इसकी मैनेजमेंट का भी एक सेशन रखा जाए, ठीक है। आज का हमारा जो फोकस था वो हमारा असेसमेंट के ऊपर था, तो मैनेजमेंट के ऊपर हमारा फोकस नहीं था। फिर मैंने आपको जर्नल बताया है कि हम किस तरह से उसकी मैनेजमेंट करेंगे। हमने असेसमेंट कर ली, इन इन चीज़ों में उसको प्रॉब्लम है, इस चीज़ को हम ट्रीट करेंगे। मोटर असेसमेंट में उसको किस किस चीज़ की प्रॉब्लम थी, उसको सेंसरी में किस किस चीज़ की प्रॉब्लम थी, और उन चीज़ों को हम किस किस तरह से बेहतर करें, ठीक है। ये हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में प्लान करूँगी, वेबिनार उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का एंड हो रहा है, और मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दूँगी ग्रुप के अंदर, वहाँ पे आप लोग जो है जाके वहाँ पे ये लेक्चर देख सकते हैं।